आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। महाठक संजय राय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और बनारस में मौजूद शेरपुरिया के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। वहीं शेरपुरिया के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं और कई संपत्तियों के बेनामी होने की भी आशंका जताई जा रही है। करोड़ों रुपए की जालसाजी करने वाले शेरपुरिया के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि शेरपुरिया ने बड़े और प्रभावशाली नेताओं के साथ अपनी नजदीकी का स्वांग रख अचूक संपत्ति बना ली है। इसमें कई संपत्तियों के बेनामी होने की भी आशंका है। ईडी की टीम ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और बनारस में मौजूद शेरपुरिया के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। ईडी की यह कार्यवाही सोमवार रात से शुरू होकर मंगलवार रात तक चली। इस छापे में जांच एजेंसी ने शेरपुरिया के एनजीओ और बोगस कंपनियों से जुड़े तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी को उसके एनजीओ यूथ रूलर एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन 5 कंपनियों से जुड़े हजारों दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बैंक के पासबुक, एटीएम कार्ड, लॉकर्स की जानकारी, चेकबुक और पासपोर्ट भी मिले हैं। तो संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि सोमवार से लेकर मंगलवार तक छापेमारी चली है। वहीं पर शेरपुरिया के कई ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। बैंक के लॉकर्स मिले हैं, चेकबुक और पासपोर्ट भी मिले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, क्या कुछ अधिक जानकारी निकल के सामने आ रही है? सोमवार से छापेमारी चली, मंगलवार तक चला और बहुत सारे अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की टीम ने संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो एक बड़ा महाठग भी है, क्योंकि उसने करोड़ों का घपला किया है, जिसके बाद उसकी जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद से उसकी उससे पूछताछ हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने उसको रिमांड पर भी लिया हुआ है, क्योंकि संजय शेरपुरिया 6 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। लेकिन इस दौरान जैसे कि ईडी अब छापेमारी कर रही है लखनऊ समेत कई ठिकानों पर, जो छापेमारी हो रही है, फिर चाहे उसका किराए का मकान हो या फिर जो उसका मकान कब्जा किया हो, उन सभी मकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जो ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले, जिसमें बताया जा रहा है कि जो संजय शेरपुरिया है वो खुद 5 कंपनियों का डायरेक्टर था, जबकि उसकी पत्नी 4 कंपनियों की डायरेक्टर बताई जा रही है। तो यानी कि ये जो 9 कंपनियां हैं, ये 9 कंपनियां जो चल रही थी, इसमें फर्जीवाड़े का भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि जो दस्तावेज थे वो ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही एनजीओ के साथ कई और भी चीज़ें हैं, चाहे मकान हो या फिर जो जमीनों की बात की है, वो सभी चीज़ें ईडी अपने कब्जे में लिए, और लॉकर समेत बैंकों की भी कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। लेकिन जो बात की जा रही है कि अभी इसकी जो बेनामी संपत्तियाँ हैं उनके बारे में ईडी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा जो इस तरीके ठग बताया जा रहा है और जो फरार चल रहा था। लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है, जो रिमांड पर लिया गया है, रिमांड के पर लेने के दौरान जो पूछताछ उससे हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अभी दस्तावेज मिले हैं उससे कहीं बढ़कर इसके पास बेनामी संपत्तियां होंगी, जिसको लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से इस मामले में एसटीएफ की टीम ने भी काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरीके से जब से रिमांड पर लिया गया है, तो कई राज भी खुलते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी चीज़ सामने ये आ रही है कि जो संजय शेरपुरिया है, इसका कहा जा रहा है कि सफेदपोश नेताओं से भी काफी बड़े संपर्क बताए जा रहे हैं, जो इसने पूरा ढोंग रचा हुआ कलीम, किन बड़े नेताओं के साथ दबदबा दिखाता था एक अपनी जी, जिन बड़े नेताओं के साथ बताए जा रहे, तो कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जी, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से अभी केवल इतना नाम सामने आया है कि सफेदपोश नेता है, लेकिन अभी कौन कौन नेता है इसका अभी नाम सामने आना बाकी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 6 दिनों की उसको रिमांड पर लिया गया है, तो रिमांड के दौरान उन नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं जिसके साथ इसके अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, वो इसके साथ एक अच्छी पैठ बताई जा रही है, जिनका नाम लेकर के उसके द्वारा जो है काफ़ी ठगी की जाती थी लोगों के बीच। जब जाता था, कंपनियां खोलता था, फर्जी जो कंपनियां होती थी लोगों को रोजगार देने के नाम पर, उनसे भी ठगी की जाती थी। और जो एक बड़ी बात है कि आखिर लोग इस पर शक नहीं करते थे कि ये ठग है, क्योंकि इसकी पैठ एक मजबूत पैठ बताई जाती है, क्योंकि अब कौन से सफेदपोश नेता हैं जो इसके संपर्क में रहे हैं, ये भी राज सामने आने बाकी है। फिलहाल जिस तरीके 6 दिनों के रिमांड पर लिया गया, इस रिमांड के दौरान क्या कुछ खुलासे होंगे, कौन कौन नेताओं का पर्दाफाश होगा कि आखिर इसके साथ मिलकर बड़ी स्तर पर ठगी की जा रही थी जी।
कलीम, बताया जा रहा है कि शेरपुरिया के पास एनजीओ है, तो क्या एनजीओ में जो है काली कमाई को लगाया गया है? देखिए, जो एनजीओ की बात सामने आ रही है तो वही जैसा कि अभी बताया गया कि जो बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उनको रोजगार के नाम पर इन फर्जी कंपनियों में लाया जाता था और उनसे भी ठगी की जाती थी। जो एनजीओ की बात आ रही है, जो कई कंपनियां सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो काली कमाई की बात आ रही है उसको लेकर ईडी की टीम पूछताछ भी कर रही है और लगातार छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि ये छापेमारी बड़े स्तर पर है, क्योंकि एक साथ कई ठिकानों पर छापे जो मारे गए, कई अहम दस्तावेज मिले। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज, जो बैंक लॉकर को भी अपने कस्टडी में लिया है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ कहा जा सकता है कि जो काली कमाई है ये पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो वो कमाई है, वो आखिर कहाँ छिपी हुई है और ये कमाई किस काम में लगाई जा रही थी, इसको लेकर के भी लगातार जो पूछताछ की जा रही। इसके साथ ही जो पुलिस है, पुलिस भी कई मामले में अलग से जांच कर रही है, क्योंकि ईडी एक अपनी छापेमारी करके दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, जो पुलिस है वो भी एक अलग छापेमारी करके जो है पूरे दस्तावेज कलेक्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काली कमाई एक बड़े स्तर पर है उसको लेकर ये खुलासा होना है कि आखिर इसके पास ये काली कमाई का जरिया क्या था और कैसे इसने इतनी संपत्ति बनाई, क्योंकि जो संपत्तियां हैं ये काले कारनामों की वजह से, क्योंकि जो पत्नी के नाम पे जो बताए जा रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो छापेमारी हुई थी, लेकिन अब शेरपुरिया की पत्नी समेत जो उसके रिश्तेदार हैं और जो उसके करीबी हैं, उनके घरों तक भी ईडी पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि लखनऊ में भी कई उसके करीबी रिश्तेदार रहे हैं, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ अहम दस्तावेज उन रिश्तेदारों के घर से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं इसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो सफेदपोश बड़े नेता हैं, उन नेताओं के संपर्क में रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी इसकी बेनामी संपत्ति हो सकती है। इसको लेकर के जो है जाँच चल रही है, पूछताछ भी चल रही है, लेकिन अभी नाम जो है खोले नहीं गए हैं कि आखिर कौन कौन नेता है। फिलहाल जब नेता सामने आएंगे तो एक बड़ा पर्दा भी उठेगा काली संपत्तियों का, और इसका जो पूरा ठगी का नेटवर्क था, इस नेटवर्क में केवल यही था या फिर इसके साथ और कौन लोग शामिल थे, इसका भी पर्दा उठना बाकी है। कलीम, अभी एसटीएफ की टीम की लगातार छापेमारी भी चल रही, तो क्या लगता है अभी कितने दिनों तक ये छापेमारी चल सकती है, क्योंकि कई जगहों के नाम शामिल हुए हैं इसमें? देखिए, जिस तरीके से छापेमारी की जो बात सामने आई है, फिर चाहे दिल्ली की बात हो, लखनऊ की हो, वाराणसी की हो या फिर कई अन्य स्थानों की, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि इसमें एक पूरा बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि वो यहाँ कभी लखनऊ में उसकी संपत्ति उसने जो है अवैध तरीके से कमाई और दिल्ली में कब्जा किया, उन कब्जे हुए मकानों को भी अब उससे जो छुड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से एसटीएफ की टीम इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये फरार था, लेकिन अब जब गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी के बाद रिमांड ली गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब एसटीएफ उन नेताओं का गिलेबान पकड़ना चाह रही है कि जो इससे जुड़े हुए हैं काली कमाई को लेकर के, क्योंकि जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां किसके नाम पर हैं, उन संपत्तियों तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन अभी एसटीएफ की टीम उस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन 6 दिनों की जो रिमांड की बात है, ये रिमांड के दिन बहुत अहम है, क्योंकि हर रिमांड का जो दिन गुजर रहा है उस तरीके से नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो रिमांड के दौरान पूछताछ हो रही है उसमें जो नेताओं के बात सामने आई, लेकिन अभी नाम नहीं खोले गए हैं, लेकिन किन नेताओं से के संपर्क में रहा है, किससे पैठ मजबूत बताई जा रही थी उसके नाम पे, संपत्ति इसमें कहां पर खरीद रखी है, कहां पर इसने कब्जा किया हुआ है, और जो एनजीओ की बात आ रही है, एनजीओ में डायरेक्टर ये बताया जा रहा है, लेकिन उसको संचालित कौन कर रहा था, इन सभी विषयों पर जो एसटीएफ की टीम है और जो पुलिस टीम है, विभूतिखंड पुलिस जहां पर इसको दाखिल किया गया था, ये दोनों और टीमें जो है लगातार इसमें जो है काम कर रही है, लेकिन जो अहम भूमिका निभा रही है वो है ईडी, क्योंकि ईडी छापेमारी का जो दस्तावेज बरामद कर रही है उससे जो इसकी काली कमाई है वो भी उजागर हो रही है, लेकिन जो खुलासे का समय है या जो नेताओं की का जो इससे पैठ है उसको लेकर के एक जो बड़ी अहम चीज है वो कब तक आएगी, इस पर निगाह बनी हुई है। लेकिन जब ये नेताओं के नाम सामने आएंगे तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी रकम भी ईडी के हाथ लगेगी या बड़ा खुलासा भी ईडी करेगी कि किस तरीके से ये नेता इनके संपर्क में रहकर एक बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क चलाना और जो नेता होते हैं, नेताओं की बात की जाए, जो ये बड़े ठग हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके संपर्क में पाए जाते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के इतनी बड़ी ठगी करना आसान नहीं होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो संजय, शेरपुरिया के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है, लखनऊ समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है,
बता दें कि शेरपुरिया के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। मंगलवार रात देर तक छापेमारी चली। इस छापेमारी में एजेंसी ने शेरपुरिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। तो मंगलवार रात देर तक छापेमारी, छापे में जांच एजेंसी ने शेरपुरिया के एनजीओ और बोगस कंपनियों से जुड़े तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी को उसके एनजीओ यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन 5 कंपनियों से जुड़े हजारों दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, लॉकर्स की जानकारी, चेकबुक और पासपोर्ट भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश की है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यूपी में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसको लेकर मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर नजर रखने के साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदान के लिए 4 मई और 11 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। लगातार जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी सभी प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, लेकिन अब चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। बता दें कि 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है, वहीं 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा, 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बता दें कि प्रत्याशी से लेकर पार्टियां तक अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। वहीं 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है, वहीं 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 37 जिलों में की जाएगी, जिसके लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है। सैंतीस जिलों में पहले चरण में निकाय चुनाव का मतदान होगा। मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जनता का दिल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज से प्रचार प्रचार कल से ही बंद हो गया था और अब कल पहले चरण की वोटिंग है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी नंदनी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव का कल पहले फेज का मतदान होना है। कल देर शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई और डोर टू डोर कैंपेन में महज 4 लोगों के साथ प्रत्याशी अब कहीं ना कहीं लोगों से डायरेक्ट जाकर घर पर संवाद कर सकते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब प्रचार अभियान थमने के बाद लाउडस्पीकर और जो तमाम रैलियां होती है उस पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है और पूरी तरह से 48 घंटों के लिए अगर देखें तो जिलाधिकारी के हाथ में जो जिला निर्वाचन अधिकारी का भी जिम्मा पहुंच चुका है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो कल पहले फेज का मतदान होना है, जिसमें 9 मंडल के लगभग 37 जिलों में मतदान होगा और लगभग हजारों की संख्या में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के प्रत्याशी अपने साख दाव पर लगाकर बैठे हैं। आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो आज तमाम पोलिंग स्टेशंस पे जो तमाम मतदान कर्मी हैं, जो मतदान कराने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे, उनको उनके सामान दिए जा रहे हैं और उनके देर शाम तक वो अपने जहां उनकी ड्यूटी होगी वहां पहुंच जाएंगे। आपको बताएं कि मतदान को लेकर अगर बात की जाए तो मतदान केंद्र के अंदर में 200 मीटर की परिधि में प्रत्याशी या अनावश्यक किसी को खड़ा होने की अनुमति नहीं दी गई है। वही आपको बताएं कि कल सूर्योदय से मतदान शुरू हो जाएगा और सूर्यास्त तक मतदान रहेगा। आपको बताएं कि इस अगर बात की जाए तो इसको लेकर राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में आज निकाय चुनाव में जो तमाम लोगों की ड्यूटियां लगी हैं उन्हें ईवीएम मशीन प्रदान किया जा रहा है, तो वही इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने लखनऊ के डीएम और मुख्य लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी और मंडलायुक्त रोशन जैकब
ये दोनों पहुंचे हुए हैं और किस तरह से तमाम जो विधिवत सामान दिए जाते हैं और ट्रेनिंग संपन्न हो चुकी है और तमाम दिशा निर्देशों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए नंदनी, इस बार के चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और सबकी निगाहें मतदान के नतीजों पे है कि आखिर सियासी ऊंट किस तरफ करवट लेता है। अब बात करें तो कल अगर देखें तो राजधानी लखनऊ समेत शामली, कुशीनगर और तमाम क्षेत्रों में कल चुनाव है। 37 जिलों के अंदर में अगर देखा जाए तो चुनाव है, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पोलिंग बूथ के अंदर किसी तरह का चुनाव चिन्ह या उससे मिलता जुलता कपड़े पहनकर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आपको बताएं कि तमाम बूथों पर यह भी निर्देश दिया गया है कि जो महिला कर्मी वहां मौजूद होंगी और महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद होंगी, वो घूंघट और पर्दा नसी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगी और उसके बाद उन्हें वोट में उनकी हिस्सा बनने देंगे। उसके साथ ही आपको बताएं कि मतदान स्थलों पर कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा गया है और अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा हो पोलिंग स्थल पर, इसको लेकर भी कई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी तमाम जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनको पुलिस महकमे के उनको भी बिठाया गया है कि किसी तरह की फेक न्यूज या अजारकता ना फैल सके। जी विभांशु, इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और जागरूकता रैली निकाली गई है ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर सके और अधिक से अधिक मतदान कर सके। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि इस बार के निकाय चुनाव के मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदाता शिरकत करें, इसको लेकर अलग अलग, चाहे बात करें स्कूली बच्चों की, चाहे बात की जाए जिला प्रशासन की, चाहे बात की जाए एनजीओज की, तमाम अलग अलग लोगों के द्वारा मतदाता जागरूक रैली निकाली गई जिसमें लोगों से अपील की गई कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता दे और जो कानूनी अधिकार है अपने एक प्रत्याशी चुनने का, अपने एक नेता चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, तो इस महापर्व में शिरकत करें और अपने इस महा जो एक देख सके तो वोट है उसमें जाकर उसका प्रयोग करें और एक बेहतर प्रत्याशी, एक बेहतर उम्मीदवार को चुने। इसको लेकर कल देखा जाए तो प्रदेश के अलग अलग कोनों में 37 जिलों में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के डीएम शिवपाल गंगवार की तरफ से बाइक रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं लखनऊ के वोटरों को जागरूक किया गया। वहीं अगर बात की जाए नंदनी, तो ये चुनाव अगर तुलना करें 2022 के चुनाव से या पंचायत चुनाव से, तो इस बार कहीं ना कहीं कोविड पहले से काफी स्थिर नजर आता है और कोविड का जो अगर देखें पूर्व के चुनाव में जो कहीं ना कहीं एक चुनौती थी चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए, वो इस बार कहीं ना कहीं कम नजर आता है क्योंकि अब माना जा रहा है कि इस बार जो पोलिंग बूथ है वहां ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर जो संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले बूथ हैं वहां पर पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। विभांशु, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है शरारत को अंजाम न दे सके। जी विभांशु, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग वोट खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, लोगों को शराब पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है अभी। जी बिल्कुल, इसको लेकर अगर बात की जाए तो इस तरह के जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से एक नंबर दिया गया है, एक नंबर जारी की गई है जिसमें अगर पहले ही अपील की गई है कि कोई प्रलोभन में ना पड़े और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी इस बात की अपील की गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और बात करें तो राज्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी अगर प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना दे, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तब देखने वाली बात यह होगी कि अभी अगर बात करें तो कानपुर के अंदर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक पार्टी के नेता के द्वारा लोगों को प्रलोभन देने की बात कही जा रही है और इस वीडियो को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से
क्या कार्रवाई की जाती है वो आने वाला समय बताएगा और उस वीडियो के आधार पर जांच की जाएगी, उस जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि जो मतदान स्थल है वहां पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो 11 मई को चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। कल यानी 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रत्याशी अपने पूरी ताकत झोंक दिए हैं। वहीं कल मंगलवार को प्रचार प्रसार थाम दिया गया है। बता दें कि कल यानी 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को ही चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा। शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ रैलियां निकालने के साथ जनसभाएं भी की। लगातार प्रशासन की तरफ से अब एक चुनौती भी है। इसके बाद प्रचार का शोर थम गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम लोगों ने कल रैलियां की, जनसभाएं की। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है, वहीं 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है और 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, यानी कल 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। कानपुर से हमारे साथ उपेंद्र हैं और हरदोई से हर्षराज हैं। उपेंद्र, कानपुर में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है? उपेंद्र, कानपुर में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है? कल पहले चरण की वोटिंग है नगर निकाय चुनाव को लेकर। हर्षराज की तरफ चलते, हर्षराज क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है हरदोई में? देखिए आपको बता दें, यहाँ पे 7 नगर पालिका है, 6 नगर पंचायत है। पुलिस बराबर गश्त कर रही है। यहाँ के डीएम एसपी हैं, लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हर सैनिक बल की तैनाती की गई है। लगातार यहाँ पे डीएम एसपी लगातार अपने ये जो नगर पालिका चुनाव है इनको लगातार देखे, इनको बराबर अच्छी तरीके से निपटाने का चल रहा है यहाँ पे। जी देखा जाए तो हर्षराज, जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कोविड अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन इस बार कोविड जो है रफ्तार कम है और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा मतदाता प्रयोग करने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। तो क्या कोविड गाइडलाइन इस बार भी दी गई है क्या कुछ? देखिए आपको बता दें, कोविड का असर खास तौर से यहाँ दिख नहीं रहा है। लगातार यहाँ पे एमएसपी है लगातार निगरानी बनाए रखे हैं और जनपद को 20 जोन में 51 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ पे डीएमएसपी लगातार अपने चुनाव अच्छी तरीके से निपटाने का लगे हुए हैं। लगातार आज सैनिक बल यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोविड की आपने बात की है तो कोविड इतना प्रभाव नहीं कर रहा है जो पिछले वाले में था, लेकिन इस बार कोविड का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, हमारे साथ उपेंद्र भी मौजूद है। कानपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है उपेंद्र? जी नंदन, कानपुर में 11 मई को मतदान होना, निकाय चुनाव को पूरा बिल्कुल ठीक तरीके से। और बात रही तो कानपुर से जो निर्वाचन अधिकारी कानपुर की शाखा जल दिया वो लगभग देखा जाए कानपुर में 565 मतदान केंद्र जब देखा जाए पहले पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 11 मई को किसी, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर में संवेदनशील और अति संवेदनशील पॉइंट ऐसे बने हुए हैं, उसको लेकर जो अति संवेदनशील पॉइंट है उनको लेकर पूरी तरीके से फोटोग्राफी की जाएगी। जी हर्षराज, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं हरदोई में? देखिए आपको बता दें, यहाँ पे मतदान 186 है और लगातार यहाँ के एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट है लगातार बराबर मतदान का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे मतदान जो है थोड़ी देर में आ रहे हैं। जी हर्षराज बोलिए। यहाँ पे जो यहाँ के डीएम एसपी हैं लगातार गश्त कर रहे हैं, सैनिक बराबर लगाए गए हैं, पुलिस पिकेट अपनी बनाई गई है। यहाँ पे एडीएम जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जी
उपेंद्र, जिस तरीके से लगातार कोविड का रफ्तार कम हुआ है, तो क्या कुछ कोरोना गाइडलाइन दी गई है? वही अगर कानपुर की अगर बात की जाए तो 26 सालों से रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा का खड़ा रहा है कानपुर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा को यहाँ से देखा जाए तो 10 विधानसभा में जो है 9 विधानसभा जो है 7 विधानसभा सॉरी 7 विधानसभा जो भाजपा विधायक है और बाकी के विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से भाजपा जो है पूरा और देखा जाए लगातार देखिए पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकाले गश्त कर रही है। कहीं हमेशा ये मामला सामने आता है कि शराब पिलाई जाती है लोगों से, वोटर से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो उनको वोट कर सकें, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। हर्षराज, ये आपको बता दें 184 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पे 26 बूथ बनाए गए हैं लगातार, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट और यहाँ की सीडीओ जो है लगातार अंतर निरीक्षण कर रही हैं। यहाँ पे जो मतदान केंद्र हैं उनके 200 मीटर के बाहर ही कोई बाहर ही रह सकता है। लगातार यहाँ के डीएम एसपी हैं लगातार बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार मतदाताओं को लुभावने तरीके से, यहाँ पे सत्ताधारी जो पार्टी है लगातार अन्य पार्टियों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है सत्ताधारी पार्टी अपना मजबूत बनाने के लिए गलत बनाए हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र। तो 4 मई को पहले चरण के चुनाव की वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह जागरूकता रैली निकाली जा रही है ताकि लोग अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। वहीं 2 चरणों में यूपी निकाय चुनाव होने, 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग में 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रही है। बता दें कि मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा पहले चरण के लिए। शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ रैलियां निकालकर जनसभाएं भी की, लोगों से जाकर डोर टू डोर संपर्क किया, अपने मतों का प्रयोग करें इसके लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। दस नगर निगम के महापौर पदों के 126 नामांकन प्राप्त हुए हैं। लगातार निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया है। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग कल है और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव पहले चरण की प्रक्रिया में अब तक सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहीं 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। प्रथम चरण के 37 जिलों में 10 नगरों में 1819 नगर निगम वार्ड है, 103 नगर पालिका परिषदों में 2740 नगर पालिका परिषद वार्डो में है, जिसमें तमाम लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से पैदल गश्त किए जा रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है और जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है ताकि लोग अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। कल यानी 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, लोगों से संपर्क किया, अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जनसभाएं की, लोगों से अपील की। प्रत्याशी भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे। तो 4 मई को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। मंगलवार शाम 5 बजे तक पूरा प्रचार प्रसार चला था, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रही थीं। तो पहले चरण में
9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, लखनऊ मंडल शामिल है। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो लखनऊ नगर निगम की बात करें तो कुल मतदान केंद्र यहां 7372 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 37 जिलों में कल मतदान होने हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन के साथ साथ पूरी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी और प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहे, गश्त कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता रवि रावत हमारे साथ जुड़ेंगे देवरिया से, बता दें, और अमरोहा से विनीत अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है देवरिया में? आपको बता दें देवरिया में कल 4 मई को मतदान होने को है और सभी पार्टियां रवाना, धीरे धीरे रवाना हो रही है। इस समय हम शिशुमती मार्केटरी में मौजूद है, जहाँ यह भी मतदान स्थल है। और आपको बता दें कि देवरिया में 2 नगर पालिका, 15 नगर पंचायत भी शामिल हैं और देवरिया में कुल 262 वार्डों में चुनाव होने को है, जहां देवरिया में पहले 25 वार्ड से सीमा विस्तार से बढ़कर 33 वार्ड हो गए हैं। जी विनीत, क्या कुछ अमरोहा में तैयारी देखने को मिल रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। 2 तारीख को यहाँ पर चुनाव प्रचार थम चुका है, उसके बाद लगातार यहाँ जो है हर पार्टी अपनी जीत का धमकी तो भर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई दे रही है, सत्ताधारी पार्टी है। योगी खुद प्रचार में उतरे थे। अगर बात की जाए कल होने वाले मतदान की, तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। DM BK त्रिपाठी, SP अमरोहा आदित्य लांघे के साथ साथ DIG मुरादाबाद शलभ माथुर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और जहां से भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, ये सभी लोग वहां पर खुद मौका मुआयना कर रहे हैं और किसी प्रकार से भी कोई भी शांति व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, शांति व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक काम हो, इसका पूरा ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। जी नंदिनी, रवि, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं देवरिया में, क्या कोरोना गाइडलाइन भी दी गई है? देवरिया सदर की बात की जाए तो पहले 25 वार्ड थे, सीमा विस्तार बढ़कर 33 वार्ड, कुल 33 वार्ड हो गए हैं। और यहाँ प्रशासन की पुख्ता इंतजाम की गई है, प्रशासन द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है, शांति व्यवस्था में चुनाव कराएंगे। आप बता दें कि यहाँ देवरिया DM जितेंद्र प्रताप सिंह और देवरिया SP संकल्प शर्मा लगातार मतदान स्थलों का जायजा ले रहे हैं, पल पल का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा तेजी से ड्यूटी भी किया जाएगा। विनीत, शासन के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें और इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है। बात यह है कि अमरोहा जिले की अगर बात करें तो अमरोहा जिले का जो भौगोलिक इतिहास है और जिस तरीके से अमरोहा जनपद को समझा जाए, तो अमरोहा जनपद में यहाँ कुल 5 नगर पालिका है और 4 नगर पंचायत है और इसके अलावा जो अमरोहा नगर पालिका है इसका परिसीमन हुआ है। शायद नगली एक नगर पंचायत यहाँ पड़ती है, वो नई नगर पंचायत बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद नगली नगर पंचायत से जो है वो इस वक्त जो BJP प्रत्याशी बनाई गई है वो मुख्यमंत्री के पूर्व OSD की पत्नी बनाई गई है। अमरोहा नगर पालिका परिषद से तो प्रत्याशी हैं शशि जैन, वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी थी, पहले यहाँ प्रत्याशी रही, यहाँ पर चेयरमैन रही थी और इस बार भी उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है भाजपा के उम्मीदवारों की यहाँ जीत की भी उम्मीद जताई जा रही है। और जहां तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन यहां पूरी तरह तैयारी कर चुका है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत। रवि, क्या कुछ किसके किसके बीच के मुकाबला देखा जा रहा है देवरिया में? तो 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से हर जगह पर अलर्ट है। हमने अलग अलग जिलों से आपको दिखाया, लगातार प्रशासन जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर अपील कर रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी हुई है, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कोविड गाइडलाइन दी गई है।
पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होने जा रही। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, बता दें, जिसमें सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी समेत शामिल है इसमें। तो पहले चरण में बता दें कि शाम मंगलवार को शाम प्रचार प्रसार को थाम दिया गया था। पहले चरण की वोटिंग 37 जिलों में होगी। प्रशासनिक टीमें अपनी पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। निकाय चुनाव में पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे तक थम गया। इससे पहले सोमवार को मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने सारे प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हमने देखा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने सब जगह जगह जाकर जनसभाएं की, लगातार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ने लगातार सबसे जाकर अपील की है और सरकार की कई उपलब्धियाँ भी बताई। वहीं तमाम प्रत्याशी भी लोगों से जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे और जनता से उनका समर्थन मांग रहे थे। 37 जिलों में कल यानी पहले चरण की वोटिंग होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, प्रत्याशी लोगों से जाकर उनका जन समर्थन ले रहे थे। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी आदि में जहां पर पहले चरण की वोटिंग की जाएगी, वहीं 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, झांसी और लखनऊ, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज, श्रावस्ती और गोंडा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया और लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने झांसी, प्रांत अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुरादाबाद, नकुल दुबे ने लखनऊ, अजय राय ने वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया। तो लगातार राजनीतिक पार्टियां भी प्रचार प्रसार में लगी हुई थी बीते कल में, और कल मंगलवार शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार चला था। वहीं पर आज प्रचार प्रसार थाम दिया गया है और कल पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन की तरफ से बताया गया है कि पहले चरण में कुल 2.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें। इस बार पिछले के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, जिससे जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है ताकि लोग अपने मतों का प्रयोग कर सकें। बता दें कि अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चुनाव की निगरानी के लिए जिलों में तैनात किए गए हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम निष्पक्ष चुनाव करा सकें। लगातार जो है ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। हर जगह प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव दो चरण में होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी। 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमने आपको अलग अलग जगह से, हमारे संवाददाता जुड़े थे जहां से हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई। उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस प्रशासन जो है अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर चुकी है, फ्लैग मार्च निकाल रही है, लोगों से अपील कर रही है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, झांसी और लखनऊ, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज,
श्रावस्ती गोंडा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। उन्होंने तमाम सरकार की उपलब्धियां बताई और डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने को लेकर लगातार जनता से अपील किया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाया है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने झांसी और प्रांत अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुरादाबाद, नकुल दुबे ने लखनऊ, अजय राय ने वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगा है। जगह जगह जाकर रैलियां की, जनसभाएं की, उनके लिए उनके समर्थन में वोट मांगा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ेंगे संभल से, और बलवंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुबारक, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही नगर निकाय चुनाव को लेकर? आपको बता दूं, जनपद संभल में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और उसमें सख्त आदेश कर दिए हैं। प्रशासन ने बोले कोई भी पाया गया था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे यहाँ पे 3 नगर पालिका है और 5 नगर पंचायत है और काफी संख्या फोर्स लगाई गई है और वो पहले और ड्रोन से निगरानी होगी। बलवंत, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर? रायबरेली में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जी नंदनी जी, आपको बता दें कि जहां कल मंगलवार देर शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया तो वहीं पर जिला अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आ गया है। वैसे ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी जहां पे वोटिंग होना है वहां पे मतदान की स्थल का बराबर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें निरीक्षण के बाद लगातार उसके देख रेख की जा रही है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। मुबारक, क्या कुछ कोरोना गाइडलाइन भी दी गई है? क्योंकि पिछली बार के मुकाबले कोरोना का रफ्तार कम है, तो क्या कुछ कोरोना गाइडलाइन दी गई है? अभी तक प्रशासन ने ऐसे कोई भी कोरोना गाइडलाइन नहीं दी गई है और देखने वाली बात होगी। अभी तो टाइम है उसका, कोरोना गाइडलाइन भी दे सकते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रशासन जो है जगह जगह लगा रखा है और दूसरी तरफ जो और 4 तारीख को वोटिंग होगी और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। बलवंत, देखिए इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लगातार जागरूकता रैली निकाली जा रही है कि लोग अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। क्या कुछ रैलियां वहां पर निकाली गई थी, जागरूकता रैली? जी नंदनी, रैली निकाली गई थी, मतदाताओं को जागरूक किया गया कि अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें और उसके बाद जो है अपने जो विकास कर सके उन नेताओं को चुनने के लिए, जनप्रतिनिधि चुनने के लिए रैलियां निकाली गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों भी द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया है। एक लगातार कार्यक्रम चलता रहा है, चलता आगे भी चलता रहेगा। जी मुबारक, देखिए प्रचार प्रसार थाम दिया गया है, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं संभल में? प्रचार थम गया है और मैं जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं करीबन लगभग बनाए गए करीबन 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जी बलवंत, देखिए पुलिस जो है लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से अपील की रही है, अपील भी कर रही है कि शांति तरीके से चुनाव को संपन्न कराना है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और सभी क्षेत्राधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट जो क्या हम कहें SDM साहब को होते हैं, उन जिलाधिकारी को बराबर निर्देश दिया गया कि चुनाव सकुशल संपन्न कराया जाए और जो चुनाव में उल्लंघन करे उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। जी मुबारक, कितने बजे से सुबह वोटिंग शुरू होगी और कितने बजे तक खत्म कर दी जाएगी? वोटिंग जो सुबह जो होगी वहां पे करीबन बताया जा रहा है 7 बजे वोटिंग होगी। 7 बजे वोटिंग होने के बाद में तो क्लैश मार्च जगह जगह प्रशासन लगा लिया है और कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई जाए और चुनाव जो ईमानदारी से वो संपन्न होगा और 5 बजे होगा और चुनाव फिर 4-5 बजे खत्म हो जाएगा। आपका मुबारक। बलवंत, रायबरेली में कितने बजे से वोटिंग शुरू होगी, कब तक खत्म कर दिया जाएगा?
जी नंदनी, आपको जैसा बता दे कि 9 नगर पंचायत है और एक नगर पालिका है, जो सुबह से 7 बजे से वोटिंग होगी और मतदान तक शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और लोग अपने मतों का प्रयोग करें। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं 11 मई को पहले चरण की वोटिंग है, जहां पर हमने आपको दिखाया कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लोगों से जागरूकता रैली निकाली जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। निकाय चुनाव 2 चरणों में होने हैं, पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जिसको लेकर पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार कल मंगलवार शाम देर रात यानी शाम 5 बजे तक थाम दिया गया था। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनता से अपील कर रहे थे, जनसभाएं कर रही थी, वहीं पर पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रशासन पूरी तरीके से हर जगह पर मुस्तैद नजर आ रहा है। पहले चरण की वोटिंग 37 जिलों में की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन हर जगह फ्लैग मार्च निकाले, जागरूकता रैली निकाली जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बता दें कि पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर है, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी लखनऊ भी इसमें शामिल है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी और वहीं प्रशासन देखिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखाई, वहां पर प्रशासन जो है पूरी तैयारियां कर चुका है। पहले चरण की वोटिंग 11 मई को है, पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए उनसे अपील किया है और लगातार जनसभाएं की, डोर टू डोर संपर्क किया, प्रत्याशियों ने जाके रैलियां निकाली, डोर टू डोर संपर्क किया, लोगों से अपील की, विकास कार्यों को लेकर तमाम दावे भी किए। प्रचार प्रसार थाम दिया गया है। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एड़ी चोटी लगा दिया, प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जाकर संपर्क किया, लोगों से उनके समर्थन मांगे, जनता के बीच जाके लोगों ने अपील किया है, प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले चरण की वोटिंग 37 जिलों में होनी है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हमने आपको अभी अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ पर हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार वहाँ पर प्रशासन फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कहीं कोरोना गाइडलाइन दी गई है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से पहले चरण की निकाय चुनाव को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कुशीनगर से, हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है कुशीनगर में? जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद में 10 नगर पंचायत तो 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं, जिसमें 611 पार्टियां सहित 10% रिजर्व के साथ 678 पार्टियां बनाई गई हैं, जो आज पोलिंग बूथ पे पहुंचने का कार्य करेंगी और सुबह मतदान कराने का कार्य करेंगी। जी ज्ञानेश्वर, मुकाबला किस किस पार्टियों में देखा जा रहा है कुशीनगर में? जी आपको बता दें, फिल्मी जगत से जुड़े कुछ सितारे जैसे अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एवं पूनम दुबे का जो दौरा रहा है, ये बीजेपी प्रत्याशियों से लेकर के जो निर्दल हैं, सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन अगर हम बात करें वर्चस्व की, तो सबसे दिलचस्प की लड़ाई अब बीजेपी बनाम सपा, तो कहीं कहीं
तप्पा बनाम बीएसपी दिख रही है जी। कल कितने बजे? लेकिन सबसे बड़ी अगर बात जी बोलिए बोलिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो 4 तारीख को जनता अपना समर्थन अब किसको देती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प की अब यह बात अगर हम करें तो यह 13 तारीख को ही तय हो पाएगा आखिर गांव की जो सरकार है वो किसकी बन पाती है। जी बिल्कुल ज्ञानेश्वर, कितने बजे से वोटिंग शुरू की जाएगी और कितने बजे खत्म कर दी जाएगी? जी आपको बता दें कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोरोना गाइडलाइन भी दी गई है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा का जब चुनाव था तो कोरोना रफ्तार पर थी, कोरोना अपने रफ्तार पर था, लेकिन इस बार कम है, तो क्या कोरोना गाइडलाइन कुछ दी गई है? जी जी मैं आपको बता दूं, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए शासन और प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजर और मास्क का विशेष ध्यान रखते हुए लोगों को गाइडलाइन दिए गए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरी फोर्स की तैनाती की गई है कि शांतिप्रिय ढंग से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सके। जी ज्ञानेश्वर, कई बार देखा गया है और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा गया है कि प्रत्याशी जो है अपने वोटर्स को लुभाने के लिए उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें शराब पिलाई जाती है। जी अगर हम बात करें पैसे की, बात करें दारू की, तो जनता इतना वो बुर्बक नहीं कही जाएगी, जनता समझदार है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो चीजें हैं दारू और पैसे की, तो जनता यह सब चीजें जान चुकी है कि हमें अपना मतदान किसको करना है और क्यों करना है। कहीं ना कहीं जनता यह जान चुकी है, विकास के नाम पर जनता वोट करेगी। देखिए इस बार बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, लगातार जो है जागरूकता रैली निकाली जा रही है, लोगों से अपील किया जा रहा है कि जो है अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जी आपको बता दें जो मतदाता जागरूकता रैली निकली इसका कहीं ना कहीं सीधा असर होता नजर आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कल जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी वह कितना हो पाती है। कुशीनगर में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? कुल 611 पार्टियां 61% रिजर्व के साथ 678 वो बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर। तो हमारे साथ थे ज्ञानेश्वर जो कि कुशीनगर से थे, उन्होंने बताया कि तमाम जो है कुशीनगर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन दी गई है लगातार पार्टियों में, और वर्चस्व वहां पर देखा जा रहा है। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और सपा में वहां पर मुकाबला देखा जा रहा है। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जनसभाएं की, रैलियां की, लोगों से संपर्क किया। पार्टियों की प्रत्याशियों के लिए देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की, अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट जाकर मांगा, जनसभाएं की और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाया है। तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरी समर्थन ले रहे हैं जनता से, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं, और इसी बीच प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, कहीं भी कोई अशांति ना फैले, कोई अराजकत्व न हो, जिसके लेकर तमाम प्रशासन जो है पूरी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों में, 37 जिलों में, 10 नगर निगमों में, 104 नगर पालिका परिषदों और 276 नगर पंचायत के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी। वहीं पूरी तरीके से प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगह से दिखाई थी, जहां पर हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी तरीके से प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। शहर शहर खबर खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।